Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Healthcare Channel. Hope you all will be fine and happy. दर्द ख्वाह जिस्म के किसी भी हिस्से में हो बहुत तकलीफ देह होती है। लोग दर्द से छुटकारा हासिल करने के लिए पेन किलर का इस्तेमाल करते हैं जो गुर्दों के लिए इंतहाई खतरनाक होती है। इसीलिए आज मैं आपको जोड़ों, हड्डियों, पट्ठों या फिर जिस्म के किसी भी हिस्से में होने वाले दर्द से निजात हासिल करने का एक ज़बरदस्त और आजमूदा नुस्खा बताऊंगा। दर्द को तो ये ऐसे ख़त्म करता है जैसे कभी था ही नहीं। बढ़ती उम्र में घुटनों में दर्द और पिंडलियों में दर्द रहता है, बाज़ औक़ात सोजश भी आ जाती है। ये नुस्खा इस मर्ज़ का भी बेहतरीन इलाज है। इससे पहले कि मैं आपको इस नुस्खे के इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताऊं, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें एवरी लेटेस्ट अपडेट को सबसे पहले पाने के लिए। तो इसके लिए आपको चाहिए सरसों का खालस तेल एक प्याली, देसी लहसुन एक कट्ठा। और इसका तरीका इस्तेमाल ये है कि एक साफ बर्तन या पेन ले लें, इसमें एक प्याली सरसों के तेल की डाल दें। सरसों का तेल फैटी एसिड से भरपूर नेचुरल इंग्रेडिएंट है। इसकी तासीर गर्म होती है। ये पट्ठों, अजलात के अकड़ाव, खिंचाव और हड्डियों जोड़ों के दर्द को ख़त्म करता है। इसके बाद आप पूरा गट्ठा लहसुन का ऑयल में डाल दें। लहसुन के छिलके नहीं उतारने। लहसुन में नमकियात, फौलाद, तांबा, विटामिन ए, सी और एच वाफर मकदार में पाए जाते हैं। इसकी तासीर गर्म होती है। ये दिल और जिस्मानी अमराज में नहायत मुफीद है। इस तेल को हल्की आंच पर रख कर गर्म करें। आपने इस तेल को इस वक्त तक पकाना है जब तक लहसुन जलकर स्याह ना हो जाए। जब लहसुन स्याह हो जाए तो इस तेल को ठंडा करके किसी बर्तन में स्टोर कर लें। जिस्म के किसी हिस्से, हड्डी या जोड़ में दर्द हो, थोड़ा सा तेल लगाकर 15 मिनट तक मालिश करें। मालिश करने के बाद जिस्म के इस हिस्से पर सूती कपड़ा बांध दें। नीज, ठंडक और हवा से दूर रहें। जिस्म में होने वाले दर्द से परेशान मर्द, औरत, लड़के और लड़कियां इस नुस्खे को कम से कम 9 से 10 दिन तक ज़रूर इस्तेमाल करें। बड़ी उम्र के अफराद 10 दिन के बाद हफ्ते में 2 बार ज़रूर इस्तेमाल करें। आपकी इस अजियतनाक मर्द से हमेशा के लिए जान छूट जाएगी। सो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स के ज़रिए अपनी कीमती राय का इजहार करें। अपना ख्याल रखें। दुआओं में याद रखना। खुदा हाफिज़।